Now dear, welcome in physics class of Kalam Science Center. अब ट्वेल्थ क्लास आप लोग ट्वेल्थ एग्जाम देने वाले हैं और फिजिक्स फिजिक्स को समझना है आपको। फिजिक्स का मतलब ही होता है, फिजिक्स या कोई भी साइंस चीज रटने की चीज नहीं होती है। अगर उसके उसका कॉन्सेप्ट आपके अंदर में नहीं है तो आप उतना मोटा बुक रट नहीं सकते, रट सकते हैं क्या? तो पहले फिजिक्स का मतलब ये होता है, बाकी तो डिफिनेशन आप फिजिक्स का जानते होंगे। फिजिक्स बोलता है पहले हमको नहीं बात सुना यह समझ लो कि इतना कैपेसिटी है कि नहीं आपको समझने का, मतलब आपके अंदर समझने की कैपेसिटी है, तब आप फिजिक्स समझ सकते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने कूलम्ब्स लॉ के बारे में बताया था। कूलम्ब्स लॉ क्या होता है बताइए? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेज एंड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस। दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या विकर्षण बल उनके आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है एवं उनके बीच के दूरी के वर्ग के विक्रमानुपाती होते हैं। और आफ्टर कैलकुलेशन हम लोग आया था एफ इक्वल टू, पहले तो दिखे थे हम लोग के क्यू1 क्यू2 बाय आर स्क्वायर, वेयर जहां के का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या इसी का वैल्यू होता है 9×10⁻⁹ यूनिट, इसको जानते होंगे, यूनिट भी निकाल देते हैं हम, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब माइनस टू। ओके, तो फाइनली हम लोग का रिजल्ट आया था एफ इक्वल टू के की जगह पर हम लोगों ने ये वैल्यू पुट किया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1×Q2 बाई आर स्क्वायर। और इसमें मैंने एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन यूनिट निकालने में बताया था, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कैसे निकालते हैं ये मैंने बता दिया। ओके, आप इस वीडियो को देख सकते हैं। अब हम आज जो बताने जा रहे हैं इसके बाद का टॉपिक, इसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इसको हिंदी में हम लोग विद्युत क्षेत्र कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड हिंदी में क्या बोलते हैं जी? विद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्या होता है विद्युत क्षेत्र, इसको बताने से पहले मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए कभी आप किसी दूसरे लड़के के गांव में गए जिससे आपकी दुश्मनी थी और वहां आपको वो पीट दिया, खुदा न खास्ते 10 दिन के बाद आपके गांव के अगल बगल वो दिखाई दिया तो आपका एक ही भाषा होगा कि बाबू रुक रुक तो वो मेरे एरिया में, मेरे क्षेत्र में, बोलोगे कि नहीं? आप अभी आप मेरे क्षेत्र में हो, आपके क्षेत्र में गए थे तो आप पीट दिए थे, अभी आप मेरे एरिया में हो तो आपका एरिया कौन कहलाता है? जहां पर आपका बल कार्य करे, जहां पर आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन काम करे। जैसे अभी आप क्लासरूम में भी हैं तो मेरे एरिया में, यहां पर आप हैं तो अभी यहां पर मेरा फोर्स काम कर रहा है। आप डिसिप्लिन को तोड़ नहीं सकते हैं, तोड़ सकते हैं क्या? लेकिन जब आप अपने पेरेंट्स के सामने होते हैं तो पेरेंट्स के क्षेत्र में होते हैं, लेकिन पेरेंट्स से भी दूर हैं और टीचर से भी दूर हैं तो जो मन तो आप स्वतंत्र हो जाते हैं, इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। तो मेरा एरिया कौन कहलाएगा? मेरे चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसके अंदर में मेरा अट्रैक्शन या रिपल्शन काम करे। मतलब या तो आप मेरे तरफ अट्रैक्ट होइए या तो मेरे से रिपेल होइए, रिपेल मतलब दूर जाइए। तो यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कहते हैं किसी भी चार्ज के चारों ओर का वह एरिया जिसमें कोई दूसरा चार्ज
हमारे अट्रैक्शन में आप हैं, यहाँ पर हम लोग हमेशा दो चार हैं, तो आप अनुभव कर रहे होंगे, आप जरूर अट्रैक्ट हुए करें तो कहाँ घर है आपका, वहां से अट्रैक्ट होकर खींचे खींचे यहाँ आ गए, मेरे एरिया में आया, खराब लगेगा तो आप यहां से दूर चले जाएंगे, तो दूर भी जा रहे हैं तो मेरा फोर्स बन जा रहा है, मतलब रिपल्सन बन जा रहा है, द स्पेस अराउंड ए चार्ज अंडर विच ए अनदर चार्ज मीन्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ फर्स्ट दैट चार्ज, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड बॉल किसी आवेश या आवेश श्रृंखला, अगर दूर विचारू भी हो सकता है, जैसे कोई अभी तो मैं अकेले हूं, हो सकता है यहाँ पर कोई और मैथ करनी जरूरत है, कोई केमिस्ट्री करनी जरूरत है, कोई इंग्लिश करनी जरूरत है, चारों के चलते आप अट्रैक्ट होते, तो कोई आवेश मैंने ये वन चार्ज और वन चम चार्ज मैंने बहुत सारे चार्ज, तो स्पेस अराउंड ए चार्ज अंडर विच एंड अनदर चार्ज फील्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस चार्ज, बस मना लिया उसको हम क्या बोलते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, इसको बोलते हैं द स्पेस अराउंड ए चार्ज और बंच ऑफ चार्ज, मुझे एक नहीं बहुत सारे चार्ज हो सकते हैं, इन विच अनदर चार्ज फील्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, जैसे अभी आप पूरा भारत देश किसके क्षेत्र में है, अभी मोदी जी के क्षेत्र में, इसमें कोई भी आदमी बाहर आक्रमण करेगा तो एक्शन लेंगे कि नहीं लेंगे, क्योंकि अभी मेन चार्ज है, आपके दरवाजे के बगल में कोई जाके बॉसगिरी करने लगे, करने तो गए, दरवाजे के सामने उसका भी शेर होता है क्योंकि उसका वो एरिया होता है, बस जा रहा है, अब हम लोग को पढ़ना है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड किसे करते हैं, यूनिफॉर्म मतलब होता है एक समान, क्या होता है ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक समान विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र क्या है, विद्युत क्षेत्र का मतलब तो समझ गया, युवा क्षेत्र जिसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन काम करे, लेकिन सब जगह विद्युत क्षेत्र एक जैसा नहीं होता है, जैसे अगर यहां पर चार्ज है जैसे जैसे दूर जाएंगे उसका फोर्स क्या होता है, तो घटते जाता है, दूर जिससे आपका प्रेम या लगाव है उसके नजदीक जाइएगा तो और अट्रैक्शन बढ़ेगा ना, और उससे दूर जाइएगा तो फिर से क्या होगा, तो कम होगा कि नहीं, जिससे आग यहां जल रहा है, तो आग के सामने जैसे जैसे जाइएगा तो उसका टेम्परेचर आपको ज्यादा महसूस होगा, इससे दूर जाइएगा तो कम होगा, लेकिन अगर सब जगह एक समान है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो यूनिफॉर्म, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन किसी भी एक निश्चित एरिया में सब जगह एक समान ही हो, न कहीं ज्यादा हो न कहीं कम हो, और डायरेक्शन भी सेम हो, तो उसे हम लोग अगर इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायरेक्शन आर सेम एट ऑल पॉइंट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड देन दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, बस मेरा इसमें होता क्या है कि मैग्नीट्यूड जो होता है इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, परिमाण बोलते हैं या प्रबलता कहते हैं हम लोग, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन क्या होता है जी, सेम होता है, क्या होता है, सेम होता है एट ऑल पॉइंट्स, दिशा और परिमाण सभी बिंदुओं पर इसमें एक समान होता है, और दूसरा जो होता है नॉन इनफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको असमान विद्युत क्षेत्र कहते हैं हम लोग, इसको मैं इसलिए सब टर्म को डिफाइन कर दे रहा हूं क्योंकि जब आप चलेंगे गॉस थ्योरम में तो ये सब जानेंगे ही नहीं कि समान विद्युत क्षेत्र क्या है, असमान क्या है, विद्युत क्षेत्र है क्या चीज, तो आपको गॉस थ्योरम समझ में फिर नहीं आएगा, नॉन इनफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन इनफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब असमान, और समान के पहले अलग, यानी जैसे हम और आप समान है मतलब इक्वल है, हमसे आप हम और आप असमान है इक्वल नहीं है, यानी इफ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट,
अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है विद्युत क्षेत्र के सभी बिंदुओं पर अलग अलग हो, कहीं भी ज्यादा हो उसके बाद कम हो जाए, उसके बाद और कम हो जाए, उसके बाद और कम हो जाए, तो वैसे विद्युत क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, तो असमान विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो देखेंगे हम लोग आगे। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जिसको हिंदी में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जानेंगे हम लोग। इसको हिंदी में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम लोग विद्युत क्षेत्र तो पढ़ लिए, और उसकी तीव्रता क्या है, जैसे आप लड़के हैं ना, लड़के का बल, सब लड़के हैं, सब में अलग अलग फोर्स होगा, बल जल रहा है, कोई डिम लाइट भी होता है, कोई ज्यादा लाइट भी होता है, ज्यादा जिसमें ज्यादा तीव्रता है, डिम है उसमें कम है, सब में एक ही तीव्रता है क्या आपको नहीं है? तो यहां पर भी जो होता है विद्युत क्षेत्र की, अब वो डिपेंड करता है कि उसमें कितना फोर्स लग रहा है, ज्यादा फोर्स लगेगा तो तीव्रता ऑटोमेटिक ज्यादा होगी, फोर्स कम लगेगा तो तीव्रता उसकी क्या होगी, तो कम होगी। कैसे डिफाइन करते हैं जरा गौर सुनिएगा। तो इलेक्ट्रिक में दो चार्ज क्या हो सकता है, एक पॉजिटिव का भी हो सकता है और एक निगेटिव का भी हो सकता है। इसका डिफ्रेशन होता है द फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसको हम लोग डिफ्रेशन बता रहे हैं, उसको हम लोग ई से रिप्रेजेंट करते हैं, और ई का तो होता है एक बाई क्यू नॉट। अब कहो सर क्यू नॉट क्या है, परीक्षा नाम से बोलते हैं इसको, टेस्ट चार्ज होते हैं। जैसे अभी यहां पर हम लोग दो तरह के चार्ज हैं, एक मैं हूं एक आप पर मेरा फोर्स लग रहा है, आप टेस्ट चार्ज, आपको समझ में टेस्ट करना है, आपको आपको अच्छा से समझ में अगर आ जाएगा तो बोलेंगे टेस्ट बहुत बढ़िया था, समझ में नहीं आएगा तो बोलेंगे टेस्ट अच्छा नहीं था। तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में इसका पॉजिटिव चार्ज है तो कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड अपना क्षेत्र होता है जिसके अंदर में आकर्षण या निकर्षण कोई दूसरा आदमी फील करता है। जैसे आपसे किसी को अगर रियली में प्रेम है तो आपके घर से जब भी गुजरने लगेगा या आप किसी के घर से गुजरने लगते हैं, अगर आपका दोस्त है जरूर हमारा जाता है, गाँव मतलब आप उसके क्षेत्र में जब प्रवेश किए आप अट्रैक्ट हो गए, आप देखने लगे। तो ये चार्ज है तो इसके चारों तरफ एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, तो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि कोई टेस्ट चार्ज रख लिया जाए हमेशा प्लस होता है, टेस्ट चार्ज हमेशा प्लस होता है, इसको बोलते हैं सोर्स चार्ज। इसे अभी यहां पर मैं सोर्स चार्ज हूं, स्रोत आवेश बोलते हैं, अब आप क्या है तो परीक्षण आवेश, इसको क्या बोलेंगे हम लोग प्लस टू, क्या बोलते हैं सोर्स चार्ज, क्या बोलते हैं, ये है सोर्स चार्ज और ये है क्या जी तो टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होगा, सोर्स चार्ज पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकता है, बस सुना लिए। सोर्स चार्ज मैं, अगर मेरे जगह पर कोई यहां मैं पढ़ाने लगे तब आपका डायरेक्शन किधर होगा, और मैं पढ़ा रहा हूं तो आपका डायरेक्शन किधर होगा, मैं भी बताने जा रहा हूं। तो मैं आप तो हमेशा पॉजिटिव है, अगर मान लो मैं पॉजिटिव हूं अब आप पॉजिटिव हैं तो आपका डायरेक्शन करने होगा हमसे दूर होगा, प्लस प्लस में क्या होता है प्रतिपल्सन होता है। तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उससे क्या होता है तो दूर होता है, क्या होता है तो अगर सोर्स चार्ज को पॉजिटिव रख दिया जाए अभी तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ये जो है क्यू नॉट हमेशा पॉजिटिव रहेगा, इसको बोलते हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज, क्या होता है कि टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। तब डिपेंड करेगा कि ये क्या है, अगर मैं हूं
तो मेरे से क्या होगा उत्तर दूर होगा, इलेक्ट्रिक मीटर आया सर हमसे क्या होगा दूर होगा। अगर मेरे जगह पर कोई मैप डालने लगे आकर्षित हमसा कर सकते होते हो करेंगे मैम लगेंगे तो आकर्षित हो जाएंगे। लड़का है कि बचाओ कोई बात नहीं सर, हम लोग फिजिक्स की तरफ बात करेंगे। यू आर राइट, अगर कोई निगेटिव हो तो पॉजिटिव अट्रैक्ट होता ही होता है, यानी कि यहां पर इलेक्ट्रिक भी कराया तो कोई गोले किधर होगा ध्यान रखना, इससे दो दूर रूल निकल गया। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, यानी कि विद्युत शक्ति की दिशा हमेशा धन आवेश से दूर होती है, ऋण आवेश की ओर होती है। ऋण आवेश में प्रवेश करती है तो घुसता है, धन आवेश से निकलता है। क्या लग रहा है निकल नहीं रहा है? देखिए यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज एक है और यहाँ पर मान लो निगेटिव चार्ज है। कोई कह रहा है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का रिएक्शन करने होगा दूर, किसी भी पॉइंट पे दूर, हमेशा प्लस से निकलता है और माइनस में घुसता है, प्रवेश करता है। इस कंसेप्ट को हमेशा नम दिमागवा में घुसा कर रखें। क्यों प्लस से दूर होता है? क्योंकि तेज चार्ज हम लोग रखेंगे कहीं पर, तेज चार्ज हमेशा पॉजिटिव रखेंगे, कॉन्सेप्ट है हमारा। ये परीक्षण आवेश जो है हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो पॉजिटिव का डायरेक्शन पॉजिटिव से दूर न हो बाबू। इतना तुम लोग 16 साल का होगा समझ ही रहे हो, नहीं समझ रहा क्या होगा? तू तो समझ रहा है, हम देख रहे हैं बहुत यूट्यूब देख रहा है तुम तो। ऑलवेज अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड टुवर्ड्स द निगेटिव चार्ज। बहुत क्लियर हुआ, टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव, सोर्स चार्ज पॉजिटिव या निगेटिव दोनों हो सकता है। ये मैं भी समझा रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव से दूर और निगेटिव की ओर होता है, बात में आ रहा है? लेकिन अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का टेस्ट है, तो इस पर जो टेस्ट चार्ज पर जो फोर्स लगता है किसके द्वारा? सोर्स चार्ज। अगर हम कम बल लगाएंगे तो मेरा इंटेंसिटी कम है, अगर आप ज्यादा बल लगा रहे हैं तो मेरा इंटेंसिटी ज्यादा है। मेरा इंटेंसिटी ज्यादा आपका नहीं है, आप तो टेस्ट कर रहे हैं, बात में आ रही है? टेस्ट छोटा ही होता है। जैसे मान लो कोई बोले कि मैं सब्जी बनाया तो टेस्ट करो तो क्या करो, तो पूरा कड़ाही दे दीजिए। टेस्ट हमेशा क्या होता है? छोटा चार्ज होता है। ये भी एक क्लियर हुआ कि सोर्स चार्ज से टेस्ट चार्ज जब भी होगा तो क्या होगा? तो छोटा एकदम स्मॉल होता है। उसका क्या होता है कि फॉर्मूला देखिएगा, बोलते हैं ई कल्टू होता है 1/Q0, द फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इन हिंदी लैंग्वेज। किसी एकांत परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को हम लोग उस क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। किसी भी विद्युत क्षेत्र में जैसे प्लस इसका विद्युत क्षेत्र है ना, ये इसके विद्युत क्षेत्र में लिए, किसी विद्युत क्षेत्र में एकांत धन आवेश पर लगने वाले बल को उस क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो सर F/Q0 कैसे हो गया? सर मैथ का नॉलेज होगा ना? यस सर। तो मान लिया जाए इलेक्ट्रिक नियम जो पढ़ते हैं आप ना, कि क्योंकि 16 रुपया में मान लो 16 रुपया में 8 नियम मिलता है, तो एक बार कितना मिलेगा? 8/16 करते हो और देखना है। मान लिया जाए यहाँ पर देखना, एक बल लगता है तो क्या लगता है जी? F/Q0 Q0 के कारण बल कितना लगता है? F एकांक के कारण कितना लगेगा? F/Q0। किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाले फोर्स को हम क्या कहते हैं? तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। द फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी एकांत परीक्षण धन आवेश पर लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं? तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है। क्या होता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होते हैं। अब एक फॉर्मूला हुआ E = F/Q0,
अब इसका यूनिट कितना होगा, यूनिट ऑफ ई होगा एफ का क्या होता है, फोर्स का क्या होता है न्यूटन, चार्ज का क्या होता है कूलम, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर कूलम। बट व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायमेंशन देख लीजिए, कोई भी चीज पढ़िए तो उसके बारे में तीन चीज जानेंगे, पहला उसका यूनिट क्या है, दूसरा उसका डायमेंशन क्या है, तीसरा वह स्केलर है कि वेक्टर है। देखे से चूंकि इस पर वेक्टर का साइन लगा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वेक्टर क्वांटिटी, और चार्ज स्केलर है, क्या है तो स्केलर है। तो डायमेंशन क्या होगा देख लीजिए आप, डायमेंशन निकालिएगा अभी ई का तो क्या है, एफ बाई यू नॉट, आप 11th क्लास में पढ़े होंगे फोर्स का डायमेंशन कितना होता है, m1 l1 t-2। 11th का अभी क्लास चल रहा है, जो डायमेंशन यूनिट क्लियर नहीं हुए इनका, वो 2 बजे हम आपको पढ़ाते हैं फिजिक्स 11th का यूनिट, आप इसके बाद देख लीजिएगा, या तो आपके यूट्यूब पे वीडियो उपलब्ध है, हम यूनिट निकालने बता रहे हैं, यूनिट कैसे निकालते हैं फिजिक्स का, प्लस उसके बाद डायमेंशन कैसे निकालते हैं तो आप उसको देख लीजिएगा तभी क्लियर होगा। एफ का होता है m1 l1 t-2 डिवाइड बाई क्यू, क्यू का होता है a क्यू, a1 t1 ऊपर जाएगा ना, अगर m1 l1 t-2 और एक और जाएगा -3। दिस इज द डायमेंशन ऑफ क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमा है, ये मात्रक है और यह एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो क्या मैंने बताया, सुन लीजिए फिर से, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगता है, किसी विद्युत क्षेत्र में एकांत धन आवेश पर जो बल लगता है उसे उस क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। कम बल लगेगा उसकी तीव्रता कम होगी, ज्यादा बल लगेगा उसकी तीव्रता ज्यादा होगी। सोर्स चार्ज पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकता है, हिंदी में लिखते हैं स्रोत आवेश, क्या बोलते हैं जी, स्रोत आवेश पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकता है, लेकिन ये टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होगा। हम बोल सकते हैं यहाँ पर कोई मैम पढ़ा सकती है, लेकिन बच्चे हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, क्या रहेंगे पॉजिटिव माइंड में आना, निगेटिव माइंड में आओगे तो पहले से मुंह देखने समझ में नहीं आता है, यू आर ऑलवेज इन पॉजिटिव माइंड, देन यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। ओके, तो देखते हैं हम लोग। हाँ, तो नाउ आपने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड, हमने आज बताया सबसे पहले तो बताया कि कूलम्स लॉ क्या है, क्योंकि यही बेस है पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बेस है, इसके बारे में आप नहीं समझ रहे हैं तो आप कोई भी टॉपिक नहीं समझ सकते हैं। कूलम्स लॉ मैंने बताया L=mk2r² एंड द वैल्यू ऑफ k इज 1/4πε₀q2r² इसके बाद मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिक फील्ड किसे कहते हैं, हिंदी में बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। मैंने बताया किसी भी चार्ज के चारों ओर का वह एरिया जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन फील करे कोई दूसरा चार्ज, तो उससे पहले चार्ज का भी विद्युत करते हैं। जैसे आप अभी हमारे बारे में कुछ फील कर रहे होंगे, अभी आप दोनों आपस में लड़ाई नहीं कर सकते, जान रहे हैं आपकी बाबा ठोकेगा, आप अभी मेरे इलेक्ट्रिक फील्ड में, लेकिन वही रोड पर जाकर के उधर आप स्वतंत्र हो जाते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। वहां पर आप न गार्जियन के इलेक्ट्रिक फील्ड में है न टीचर के इलेक्ट्रिक फील्ड में है। तो मेरे कहने का मतलब ये चार्ज हुआ, इसके चारों ओर का हुआ एरिया जिसमें कोई दूसरा चार्ज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन फील करे तो उस चारों तरफ के एरिया को इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। बात समझ आ रही है। इसके बाद मैंने बताया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। इन इलेक्ट्रिक फील्ड किसी विद्युत क्षेत्र में, इन इलेक्ट्रिक फील्ड द फोर्स पर यूनिट चार्ज, जिसे हम लोग टेस्ट चार्ज भी कहते हैं, द फोर्स पर यूनिट चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दिस इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय ई, और ई का टू होता है एफ बाय क्यू नॉट। क्यू नॉट क्या है, तो टेस्ट चार्ज है, यह हमेशा टेस्ट चार्ज हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। सोर्स चार्ज पॉजिटिव निगेटिव दोनों होता है, जब ये हमेशा पॉजिटिव होगा ऑटोमेटिक है कि पॉजिटिव से पॉजिटिव में रिपल्सन होता है, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो उससे अवे होगा,
यानी कि इससे क्लियर हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज का डायरेक्शन, जैसे अभी आपका फोर्स किधर लग रहा है, मेरी तरफ नजर है, लेकिन मैं जब ही हट जाऊंगा अगर कोई एक और आ रहा है जिसकी तरफ आप अट्रैक्ट होते हैं, आपका नजर उसकी तरफ जा रहा है, मतलब आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए, आपके आंख की दिशा जिधर होती है मतलब आप उधर अट्रैक्ट होते हैं। तो यहाँ पर प्लस यहाँ है, ये तो हमेशा प्लस रहेगा, तो प्लस से प्लस का डायरेक्शन दूर होगा, यानी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव से हमेशा दूर होता है एंड टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, प्लस से हमेशा निकलता है, दूर जाता है और माइनस में प्रवेश करता है, एंड दिस इज द यूनिट डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, एंड नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैं यहां समझा दे रहा हूं, अगले क्लास में इसको बता दूंगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कुछ भी नहीं है, जैसे देखो हम सिंपल बताते हैं, ये पंखा है, पंखा जब भी हम लोग चलाते हैं वहां से कुछ चीजें निकलती हैं, और क्या चीजें हैं जिसको हम लोग देख नहीं पाते, हवा जो एक निश्चित एरिया से गुजरती है। जैसे मैं यहां से फूकू यदि तब तक बाल हिलेगा, सब चीज तो नहीं हिलेगा लेकिन बाल हिलेगा, लेकिन उतना दूर बैठे हुए कब नहीं हिलेगा, हिलेगा मतलब मेरा ये हवा जो है निश्चित एरिया से पास कर रहा है। तो किसी भी चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक लाइन थोड़े से पास कर रहे हैं गुजरते हैं, उससे इलेक्ट्रिक लाइन फोर्स से निकल रहा है, हम देख नहीं रहे हैं। जैसे एक मैग्नेट रख दीजिए, मैग्नेट रखिए, एक लोहा आप लाइए, छोटा लोहा, एक निश्चित एरिया आएगा जहां के बाद आपको ले जाना नहीं पड़ेगा, तो अपने आप कर जाएगा, मतलब उस एरिया में उसका फोर्स था, आप उसको देख नहीं रहे थे, उस एरिया में उसका फोर्स था, मतलब उससे कुछ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स मतलब विद्युत बल रेखाएं उससे निकल रही थी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसे कहते हैं समझ लीजिएगा, अभी हम लिखवाएंगे इसको बढ़िया से, मैं फिर समझाएंगे, किसी निश्चित एरिया से गुजरने वाले विद्युत बल रेखाओं की माप है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या जी, ज्यादा अगर विद्युत बल रेखाएं निकल रही है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज्यादा है, कम विद्युत बल निकल रही है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है तो कम। इसको हम लोग हाई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है E.dS, ई मतलब जो भी पढ़े फिजिक्स, पूरा चाइनीज सिस्टम है, अगर एक पहले वाला नहीं समझेंगे आपका, जैसे है ना न्यू कमजोर हो गया तो पूरा मकान कमजोर हो जाएगा आपका, गुलाब सुधार नहीं समझेंगे तो ये नहीं समझ पाएंगे। इसका एक फॉर्मूला भी और भी डिराइव होता है, मैं इसको डिराइव कर दे रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड का सिर्फ एक फॉर्मूला नहीं होता है, और भी फॉर्मूला होता है, डिराइव कर दू देखेंगे आप। एंड अनदर फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको न्यूट्रल बनाने में बहुत ज्यादा काम करता है आपको, अब देखिएगा हम इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन को डिराइव कर रहे हैं, आप समझिएगा, लेकिन हम कैसे बोला सब चैनिंग सिस्टम है, अगर आपको गुलाम सुनूल नहीं समझ में आया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि देखिए यहाँ एक कंजल पड़ा, ये एक और कोई नहीं है, वही सीला वाला है, सीला वो गाना वाला सीला नहीं, ये सीला गुलाम सुला। ओके, बनावट देखिएगा हम इसका एक्सप्रेशन डिराइव कर रहे हैं, मान लिया जाए एक चार्ज है, सोर्स चार्ज है, ओके ये पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकता है, इसलिए डायरेक्शन का अभी कभी नहीं कर रहा हूं, मैं बता दिया हूं कि सोर्स चार्ज पॉजिटिव निगेटिव कुछ हो सकता है, हाँ ये दूसरा चार्ज जो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में क्यू नॉट है ये हमेशा क्या होगा तो पॉजिटिव, गुलाबसला कोई क्यों नहीं क्योंकि गुलाबसला में प्लस क्यूवन माइनस क्यूटी कुछ लिखा हुआ नहीं है, क्यूवन क्यूटी पहला चार्ज ये सोर्स चार्ज है, दूसरा क्या है ये केस चार्ज है, श्योर है कि दो चार्ज है तो इस पर कुछ फोर्स लगेगा, लगेगा एक पे कितना हो जाएगा के, अभी वन पाइप फोर पाइप फोर नहीं रख रहे हैं, तो जानते हैं उसका वैल्यू क्लियर लिखते हैं हम लोग, के क्यू वन इंटू क्यू टू बाई आर स्क्वायर, डिस्टेंस आर मतलब क्यू वन मतलब पहला चार्ज, क्यू टू मतलब दूसरा चार्ज, तो पहला चार्ज क्या है क्यू, दूसरा चार्ज क्या है क्यू नॉट बाई डिस्टेंस, क्या निकाले हम लोग एफ, क्या निकाले लेकिन ई निकालना है, अभी बराबर ई बराबर था एफ बाई क्यू नॉट, सो इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट, बाबू
फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं। एक अकॉर्डिंग टू शिला है गुलाब शिला के आधार पर के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर हम लोग जानते हैं कि इक्वल टू होता है एफ बाई कितना डी क्यू नॉट। एफ का वैल्यू ये डाल दीजिए पूरा कितना है के क्यू इंटू क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर और ये आ गया क्यू नॉट। क्यू नॉट क्यू नॉट कैंसिल हो गया एंड नाउ डी हैव द फॉर्मूला ऑफ ई इज ऑफ के इंटू क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। अब ई का वैल्यू रख दीजिए अरे के का वैल्यू रख दीजिए ई इक्वल टू हो जाएगा के का वैल्यू कितना है वन अपॉन फोर बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बिना इस्तेमाल के गॉस थ्योरम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे आगे जो पढ़ना है कैसे डिराइव हुआ फिर से एक बार देख लीजिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए श्योर है कि फिर जरूरत पड़ेगा। एक क्या है दो चार्ज के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स है ठीक है। तो ये सोर्स चार्ज था और ये टेस्ट चार्ज था ये स्रोत आवेश था ये परीक्षण आवेश था इसको क्यू मान लिए इसको क्यू नॉट ओके और दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या मान लीजिए तो आर मान लिया ठीक है। तो फॉर्मूला होता है एफ इक्वल टू कूलम्ब्स लॉ के अनुसार के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर क्यू वन मीन्स पहला चार्ज क्यू टू मीन्स दूसरा चार्ज डिवाइड बाई आर का स्क्वायर। इसलिए एफ इक्वल ई इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट एफ का ये वाला वैल्यू जो निकाले थे मैं राइट है ना ये वाला वैल्यू डाल दिए अब बाई क्यू नॉट था क्यू नॉट क्यू नॉट कट गया नाउ सिक्स क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर ना अगर इसको आपको कहे कि नहीं वेक्टर फॉर्म लिख दीजिए लिख दीजिएगा यहाँ ई लगा दीजिएगा ई इक्वल टू वन अपॉन फोर बाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर क्यू भी स्केलर है आर भी स्केलर है इसलिए यूनिट वेक्टर लिख देते हैं इसका मान कितना होता है तो एक एक से गुना करने पर मैं तो पूरा नहीं पड़ता है पड़ता है क्या नहीं पड़ता दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड आफ्टर दैट वी स्टार्ट इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड लॉस थ्योरम। थैंक यू फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बाय।